इंदौर में बनी आदर्श रोड की गूंज पूरे प्रदेश में हो रही है। इसी के साथ इस रोड पर हुई टिफिन पार्टी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस टिफिन पार्टी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही सीएम कार्यालय तक ट्वीट कर चुका है। अब इस रोड को देखने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के करीब 20 सांसद यहाँ आएंगे। दरअसल इंदौर में 7 करोड़ की लागत और सालों की मेहनत के बाद इस स्मार्ट सिटी रोड का निर्माण हुआ है, जिसकी सफाई और सुरक्षा व्यवस्था जन जन तक ले जाने के उद्देश्य से एक टिफिन पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें रहवासियों के साथ ही कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसको लेकर सीएम कार्यालय ने भी ट्वीट कर इस सड़क की जानकारी साझा की। वहीं अब इस सड़क को देखने देश के अलग अलग शहरों और राजनीतिक दलों से 20 सांसद आगामी 15 जनवरी को इंदौर पहुंचेंगे, जिनकी अगुवाई इंदौर सांसद शंकर लालवानी करेंगे। इसको लेकर क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि सड़क को देखने आने वाले सांसदों को भी सड़क पर ही भोजन करने का निमंत्रण दिया जाएगा, ताकि वह भी इस सड़क की सफाई और व्यवस्था जान सकें। इसमें मैंने ये बात कही, क्या आप इंदौर स्वच्छता को देखने आई है? इंदौर में अगर स्मार्ट सड़कों का, वहाँ एक शहर ने एक स्मार्ट सड़क बताई थी हमको प्रेजेंटेशन में, वहाँ के कमिश्नर ने बताई थी। मैंने कहा इससे अच्छी सड़क तो हमारे इंदौर में हमारे दिलीप भैया और महापौर ने बनाई है। तो जब उन्होंने सुना तो बोले हम देखने चलेंगे। तो 15 तारीख को पूरे देश के सभी दल के लोग, ऐसा नहीं बीजेपी के, सभी दलों के सांसद इस सड़क को देखने आ रहे हैं, इंदौर की स्वच्छता को देखने आ रहे हैं। इंदौर के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी 15 जनवरी को एक 20 सांसदों का दल यहाँ लेके आ रहे हैं, और उसमें सभी दलों के, सभी पार्टियों के सांसद हैं, और वो भी इस रोड को देखेंगे, और हम उनको भी यहाँ ज़मीन पे बिठाकर भोजन कराएंगे। कि इंदौर एक ऐसा शहर है, एक ऐसी रोड है, इतनी साफ है, इतनी स्वच्छ है, इतनी सुंदर है कि उस पर बैठ के भोजन किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।